आपको दिखाते हैं भिवानी के गांवों के हालात घनश्याम सराफ की नज़र से। जो गांव की समस्याएं हैं बीपीएल कार्डों की लें या बिजली पानी की लें, तो ये बड़ी ही विचित्र स्थिति है। बीपीएल कार्ड जिनके बनने थे उनके नहीं बने, और अन्य बेरोज़गारी की जो समस्या, भत्ता देने की बात सरकार करती है, वो बेरोज़गारों को भत्ता नहीं मिलता। नरेगा स्कीम के तहत भिवानी ज़िले में कोई भी आदमी लाभान्वित नहीं हुआ। जो लिस्ट थी उसके मुताबिक प्लाट देने के लिए वादा किया था सरकार ने, लेकिन वो नहीं दिए गए। बीपीएल कार्ड भी कंप्लीट नहीं हुए हमारे। ग्रेजुएट की हूँ मैंने, पिछले 4-5 साल से पहले की थी, और बेरोज़गारी भत्ता हरियाणा सरकार बोलती है कि ग्रेजुएट को हम 1,000 रुपये देते हैं। मैंने रोज़गार कार्यालय में सब कुछ कागज़ कंप्लीट करवा रखे हैं, लेकिन आज तक एक भी पैसा बेरोज़गारी भत्ते का नहीं मिला है। प्रमुख समस्या तो पानी की है। हमारे जो टैंक हैं वाटर वर्क्स के, वो सूखे पड़े हैं, और 2-2.5 महीने हो गए हमारी नहर में पानी आए हुए, और जो है न गाँव में तराई तराई मची हुई है। बारिश न होने के कारण सूखा ग्रस्त है, फसल नष्ट हो गई है, खेत खाली पड़े हैं, और सरकार ने हमारी कोई किसी प्रकार की सुनवाई नहीं की। पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या है। पानी तो गांव में न पीने के लिए, न नहाने के लिए, न धोने के लिए। कहाँ डांगर भी पानी नहीं पी सकते, ऐसा गंदा पानी आता है। पानी को 1 घंटे रखने के बाद काला पानी हो जाता है। हमारा पानी नहीं, हम कती भी टाइट गंजी होगी, पानी डोमदी डोमदी। सड़क भी टूटी हुई, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। मोटरसाइकिल से आते जाते हैं तो लेडीज गिर जाती हैं। आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम आपको मिलवाना चाहते हैं एक ऐसे व्यक्ति से जो आम और गरीब आदमी की समस्याओं को करीब से जानता है और सच्ची सेवा भावना से उनको दूर करना चाहता है। इनके बारे में अगर कहा जाए कि ये एक पॉलिटिशियन विद अ डिफरेंस हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए मिलते हैं घनश्याम सराफ से। पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, बिजली नहीं है, सड़कें खस्ता हाल है, गलियां कीचड़ों से भरी हुई है, फिर भी ये हरियाणा को नंबर 1 कहते हैं। मैं इस हुड्डा सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या भिवानी जिले को हरियाणा से बाहर पाकिस्तान में समझ लिया? जो विकास कार्य उन्होंने रोहतक में करवाए, क्या भिवानी उसका हकदार नहीं था? घनश्याम सराफ की जन भागीदारी और समाज सेवा के बारे में जितना बताया जाए वो कम है। इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जनता और समाज के लिए अनेक प्रकार से सहयोग दिया है। इनके सहयोग और करवाए गए कार्यों की फहरिस्त बहुत लंबी है, इसलिए यहाँ हम आपको केवल संक्षेप में ही जानकारी दे पाएंगे। घनश्याम जी ने अनेक मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार में खुले दिल से सहयोग दिया है। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन और प्रतिभावान बच्चों और युवक युवतियों के प्रोत्साहन में घनश्याम सराफ सदा तत्पर रहते हैं। क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती आदि की अनेकों प्रतियोगिताएं आयोजित करने में इन्होंने भरपूर योगदान दिया है। भीम स्टेडियम में बॉक्सिंग खिलाड़ियों के लिए इन्होंने एक शेड का निर्माण करवाया। सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए और उनकी प्रतिभा के विकास के लिए घनश्याम सराफ समय समय पर उन्हें सम्मानित करते हैं तथा खेल का सामान भी वितरित करते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में भी ये बढ़ चढ़कर सेवा कार्य में सम्मिलित होते हैं। भिवानी के प्राकृतिक चिकित्सालय में इन्होंने एक वातानुकूलित कॉटेज का निर्माण करवाया। नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन, एम्बुलेंस की व्यवस्था, निशुल्क दवाइयां प्रदान करना, ऐसी सब चीज़ों में भी ये सबसे आगे रहते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी घनश्याम सराफ ने बहुत कुछ किया है। शिवलाल सराफ वैश्य कन्या विद्यालय के लिए जमीन देकर उस पर भवन का निर्माण करवाया। अनेक विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि कंप्यूटर, बिजली उपकरण आदि प्रदान किए। इस सब के साथ साथ असहाय तथा गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने एवं शिक्षा उपलब्ध करवाने में ये सदा तत्पर रहते हैं। एक सच्चे समाज सेवक होने के नाते घनश्याम सराफ धर्मशालाओं के निर्माण में निरंतर सहयोग करते हैं। प्याऊ निर्माण, पीने के पानी के टैंकर भेजना, सामुदायिक केंद्रों में अनेक प्रकार से सहयोग, रामबाग, मुक्तिधाम आदि के जीर्णोद्धार में सहयोग, यह सब इनके द्वारा किया जाता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय के लिए भूमिदान एवं भवन निर्माण में भी घनश्याम सराफ ने योगदान दिया।
घनश्याम सराफ ने भिवानी एवं बलियाली गौशाला में शेड का निर्माण करवाया। आइए जानते हैं भिवानी क्षेत्र के निवासियों की राय घनश्याम सराफ के बारे में।